स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हजारों रुपए की टी शर्ट, 1 लाख के शूज और 2 लाख के हैंडबैग्स रखने वाले लोगों में एक बात है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, और वो है उनका स्टेटस। पर क्या उनका स्टेटस सच में अच्छा है, इसीलिए वो ये सब सामान खरीदते हैं, या फिर ये एक दिखावटी स्टेटस है जो प्रीमियम ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स के जरिए बेचते हैं? दोस्तों, प्रोडक्ट्स खरीदना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइसेस एक इंडिविजुअल चॉइस है, और कोई भी अपनी वेल्थ के मुताबिक कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने की आज़ादी रखता है। लेकिन आज की केस स्टडी का मकसद ये जानना है कि क्यों लोग सेम यूज़ और अच्छी क्वालिटी वाले मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स ना लेकर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। क्या इसके पीछे का रीज़न सिर्फ अच्छी क्वालिटी, कंफर्ट या कोई जेन्युइन चॉइस है, या फिर प्रोडक्ट्स के साथ अटैच स्टेटस और यूनिकनेस ही उसे कंज्यूमर द्वारा परचेज करने को मजबूर करते हैं? क्यों वेल्दी इंडिविजुअल्स जारा का ₹2000 वाला हैंडबैग ना लेकर लुई विटॉ के 2 लाख प्लस वाले बैग लेना पसंद करते हैं? आखिर क्यों लोग जॉब लगने पर इन्वेस्ट ना करके आईफोन खरीदना ज्यादा प्रायर समझते हैं? ऐसा कौन सा कंफर्ट है जो सिर्फ ₹80,000 के ट्रेविस स्कॉट एयर जॉर्डन 4 में मिलता है? और क्या रोलेक्स की 2 करोड़ की घड़ी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फेल करती है? दोस्तों, वेल ड्रेस्ड होना आपकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आज वेल ड्रेस्ड और वेल फैशनड होने का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव क्लोथ्स तक ही रह गया है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एप्पल, नाइकी, एलवी, गुची, प्राडा और पोर्शे जैसे न जाने कितने ब्रांड्स अपने 80-90 हज़ार के ही नहीं बल्कि 4 से 5 लाख से लेकर 1 से 2 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। साथ ही जानेंगे कुछ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में जिसके चलते ये लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को कॉम्प्राइज कर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, मुझे लगता है कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होने के बाद अगर किसी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के साथ इशू ये है कि इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स फोमो के चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त कोर सब्जेक्ट से सैक्रिफाइस करके करंट अफेयर्स में लगाना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी तैयारी की गाड़ी अपने ट्रैक से हट जाती है। पर यह समस्या थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि अब स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच में कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आप अपने करंट अफेयर्स डेली पीडीएफ्स के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के साथ साथ योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को भी कवर किया जाएगा। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AGLIVE। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्यूजिटनेस, एक्सपेंसिवनेस और एक्सक्लूसिवनेस, दोस्तों यही 3 चीज एक ब्रांड को बाकी ब्रांड से अलग एक प्रीमियम ब्रांड बनाती हैं। और इन्हीं 3 E's के कारण कंज्यूमर्स में ये ब्रांड रेलेवेंट और हाई डिमांड में रहते हैं। इन सब में मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है एक्सक्लूसिवनेस। डायमंड्स और बाकी एक्जॉटिक स्टोन्स अपने स्कार्सिटी और एक्सक्लूसिविटी के चलते ही लोगों द्वारा खरीदे जाते हैं, और सेम फंडामेंटल्स क्लोदिंग और स्पोर्ट्स ब्रांड द्वारा भी यूज किया जाता है। नाइकी एयर जॉर्डन एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि वो बाकी शूज से काफी एक्सपेंसिव और रेयर है। एलवी, गुची और प्राडा के हैंडबैग्स भी अपनी एक्सक्लूसिवनेस के चलते ही कंज्यूमर्स में फेमस हैं। दोस्तों, मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि कैसे एक शख्स मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने घुटनों में बैठकर अपने पार्टनर को डायमंड की रिंग पहनाता है। आज ये परंपरा टीवी से निकलकर हमारे और आपके जिंदगी में बस चुकी है। आज डायमंड रिंग्स प्रपोजल का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुके हैं। ये हमारे माइंड में कुछ इस तरह इनक्रिप्टेड है कि अगर आज कोई अपने पार्टनर को प्रपोज करता है या कोई एंगेजमेंट सेरेमनी होती है तो बिना डायमंड रिंग ये अनसेटिस्फैक्ट्री लगने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब एक वेल ड्रिवन एडवर्टाइजिंग कैंपेन का नतीजा है। 1867 में एक माइनिंग कंपनी डी बियर्स द्वारा साउथ अफ्रीका में एक लार्ज स्केल डायमंड माइन डिस्कवर की गई। 1900s आते आते डी बियर्स के फाउंडर सेसिल जॉन रोड्स द्वारा
फंडिंग की मदद से अन्य शहरों में प्रेजेंट डायमंड माइंस खरीदना शुरू किया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18th और 19th सेंचुरी तक लोगों में डायमंड रिंग्स एक्सचेंज करने का ऐसा कोई कल्चर या कॉन्सेप्ट नहीं था। 1947 में डी बियर्स द्वारा एक न्यूली वेड कपल्स पर फोकस्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम था अ डायमंड इज फॉरएवर। इस कैंपेन का मकसद डायमंड की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को न्यूली वेड्स कपल में एज अ सिंबल ऑफ लव, कमिटमेंट, एवरलास्टिंग डिवोशन और केयर की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। डी बियर्स के इस प्रमोशनल कैंपेन से पहले सिर्फ 10% इंगेजमेंट्स में ही डायमंड रिंग्स दी गई थी, लेकिन इनके कैंपेन के बाद ये नंबर बढ़कर 80% पहुंच गया। 1939 से 1979 तक US रिटेल डायमंड सेल्स $23 मिलियन से बढ़कर $2.1 बिलियन तक ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई थी और समय के साथ इंगेजमेंट पर डायमंड रिंग पहनाना एक नॉर्म बन गया। इसी एग्जाम्पल के साथ ये समझा जा सकता है कि किस तरह ब्रांड्स हमारे अवेयरनेस के बिना हमारे माइंड और लाइफस्टाइल में पेनिट्रेट कर अपनी जगह बनाने लगती हैं। प्रोडक्ट्स की एक्सपेंसिवनेस उसकी एक्सक्लूसिवनेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानी जाती है। आसान भाषा में यूं कहें कि जितना यूनिक एक प्रोडक्ट होगा उतनी ही हाई उसकी कॉस्ट भी होगी। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो या आपकी सेविंग हैबिट बहुत फ्रूटफुल हो तो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए कोई मेजर इशू नहीं है। वहीं अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है और फिर भी आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये आपके फाइनेंसेस पर बर्डन साबित हो सकता है। CNBC के कुछ आर्टिकल्स बताते हैं कि 2021 में अमेरिका में बाई नाउ पे लेटर जैसी क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करके 56% शॉपर्स डेट ट्रैप में फंस चुके थे। बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टडीज ये बताती हैं कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स जैसे ऑप्शंस कंज्यूमर्स को उनके अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। साथ ही लोगों में एक ऐसा बायस क्रिएट हो जाता है जिसके तहत नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट्स उन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट्स के मुताबिक इन्फीरियर और लो क्वालिटी लगने लगते हैं। वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ऐसे मुहावरे इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे लोग महंगी चीज़ों को हाई क्वालिटी से जोड़ने लगते हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कुछ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स के बारे में जिसका इस्तेमाल कर ब्रांड्स अपनी लग्जूरियस और क्वालिटी इमेज बनाते हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग के उन 6 P's के बारे में जो उन्हें बाकी प्रोडक्ट से अलग करते हैं और एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड बनाते हैं। यह पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है परफॉर्मेंस। दोस्तों, परफॉर्मेंस यहाँ मतलब है सुपीरियर एक्सपीरियंस जिसे 2 levels में डिलीवर किया जाता है, प्रोडक्ट लेवल और एक्सपीरियंशियल लेवल। प्रोडक्ट लेवल पर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को यूजफुल बनाने के साथ ही साथ फिजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे क्वालिटी, डिजाइन एक्सेलेंस, क्राफ्टमैनशिप, प्रिसीजन, यूनिक डिजाइन, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं एक्सपीरियंशियल लेवल पर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर को एक इमोशनल वैल्यू भी देते हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। एग्जाम्पल के तौर पर रोलेक्स को आज एक सिंबल ऑफ अचीवमेंट की तरह देखा जाता है और LV, गुची और प्राडा जैसे ब्रांड्स लग्जरी रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं एडिडास, नाइकी और प्यूमा जैसे ब्रांड्स स्पोर्ट्समैनशिप का सिंबल बन चुके हैं। परफॉर्मेंस के बाद दूसरा मेजर फैक्टर है पेडिग्री। दोस्तों, यहाँ पेडिग्री का मतलब है ब्रांड की रिच और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्ट्री। किसी ब्रांड की पेडिग्री उसके मिस्टीक यानी एक इनसेपरेबल पार्ट का काम करती है। ये मिस्टीक जनरली ब्रांड के हिस्टोरिकल यूज, लेजेंडरी फाउंडर्स और ब्रांड की ओवरऑल स्टोरी से बनती है। आज एप्पल सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ब्रांड ही नहीं बल्कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टीव जॉब्स की कैपेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। स्टीव जॉब्स की लाइफ से लोग जितना कनेक्ट होते हैं उतना ही वो एप्पल से इंट्रोड्यूस भी होने लगते हैं। वहीं लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स में लोग प्राडा और लुई विटों के सिर्फ अपेरल्स ही नहीं लेते बल्कि वो सबकॉन्शियसली उन अपेरल के साथ आने वाली ब्रांड इमेज और लेगेसी को भी कैरी करते हैं और यही पेडिग्री लग्जरी ब्रांड्स को बाकी ब्रांड से अलग करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक वॉच लेने के लिए 5,000 का बजट है और आपको चॉइस दी जाती है फास्ट ट्रैक और अरमानी एक्सचेंज में, तो दोस्तों यहाँ मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्पेशली इंडिया अरमानी को ही लेना पसंद करेंगे क्योंकि अरमानी ब्रांड की पेडिग्री फास्ट ट्रैक के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ जो है पॉसिटी।
तो उसका किसी प्रोडक्ट की अबेंडेंस और अवेलेबिलिटी बढ़ने से उसकी मार्केट वैल्यू पर सीधा असर देखने को मिलता है। इस बात को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा जा सकता है कि जैसे ही मार्केट में किसी वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, ठीक वैसे ही उसके दाम तेजी से बढ़ने भी लगते हैं। और यही सिंपल अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला ब्रांड्स भी यूज करते हैं। स्विफ्ट डिजायर आपको हर दूसरे घर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन रोल्स रॉयस देखने के लिए शायद आपको पहले ओनर का एड्रेस सर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पॉसिटी के भी दो टाइप्स हैं, नेचुरल पॉसिटी और टैक्टिकल ड्रिवन पॉसिटी। नेचुरल पॉसिटी कुछ स्कार्स इंग्रेडिएंट्स जैसे प्लैटिनम, डायमंड्स और बाकी ऐसे गुड्स हो सकते हैं जो एक्सेप्शनल क्वालिटी में अवेलेबल हो। वहीं टैक्टिकल ड्रिवन पॉसिटी एक प्रमोशनल टैक्टिक है जिसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइके, कन्वर्स और वैंस जैसे ब्रांड के हाईली प्राइज्ड शूज भी टैक्टिकल ड्रिवन पॉसिटिव बेस्ड मार्केटिंग का ही एग्जाम्पल है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, पर्सोना। किसी ब्रांड का पर्सोना उनके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी, यूज, एडवर्टीजमेंट, प्रोजेक्शन और कंज्यूमर्स के साथ बने इमोशनल कनेक्ट पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप H&M की एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको फैशन, यूनिकनेस, बोल्डनेस और लिबर्टी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि H&M एक यूथ ओरिएंटेड ब्रांड है और यूथ में यूनिकनेस, बोल्डनेस और लिबर्टी अचीव करने की एक मेजर नीड होती है, और इन्हीं नीड्स को फुलफिल करते हुए ब्रांड्स अपने आप को एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं। और पर्सोना क्रिएट करने का दूसरा मेजर सोर्स है वर्ड ऑफ माउथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबोर्गिनी जैसे कुछ बड़े ब्रांड्स तो एडवर्टाइजिंग ही नहीं करते। इन ब्रांड्स का कोर बिलीफ कस्टमर में सेटिस्फैक्शन जनरेट करना है। यही कोर बिलीफ इनको सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग वेपन देता है, जो है वर्ड ऑफ माउथ। एप्पल भी एडवर्टाइजमेंट के साथ ही साथ वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने पर भी फोकस रखता है। एप्पल इकोसिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज कंज्यूमर को इतना कंफर्ट देती हैं कि एप्पल के कंज्यूमर खुद ही लोगों को एप्पल प्रोडक्ट सजेस्ट करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस माइकल प्लैट द्वारा कंडक्टेड एक रिसर्च में देखा गया कि एप्पल यूजर्स खुद को ब्रांड से इतने ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि एप्पल पर उठाए क्रिटिसिज्म उन्हें पर्सनल लेवल पर हर्ट करने लगते हैं। ब्रांड इवेंचुअली उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बनने लगता है। वहीं सैमसंग के केस में लोग इसलिए सैमसंग खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें एप्पल नहीं पसंद। अगर कोई एप्पल को क्रिटिसाइज करता है तो उनका ब्रेन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने लगता है। तो दोस्तों, हम कॉन्शियसली महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि कब कोई ब्रांड हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। अगर आप भी अपने किचन में देखो तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कैसे टाटा सॉल्ट आपका ही नहीं बल्कि पूरे फैमिली की लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। इसी लाइफस्टाइल के कॉन्सेप्ट को लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे ब्रांड्स स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। वहीं डियोर, राल्फ लॉरेन, वर्साचे और अरमानी जैसे ब्रांड्स एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं, और ये इतने ह्यूज स्केल पर किया जाता है कि इवेंचुअली ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के साथ लाइफस्टाइल भी बेचने लग पड़ते हैं। और यही रीज़न है कि मोस्टली लोग हाईली एक्सपेंसिव ब्रांड्स इसीलिए खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के साथ आने वाली लाइफस्टाइल उन्हें आकर्षित करने लगती है। नॉर्मल स्नीकर्स पहनने वाले इंडिविजुअल और नाइकी के हाई एंड स्नीकर्स पहनने वाले इंडिविजुअल्स में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल सकता है। खैर, आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है पब्लिक फिगर। दोस्तों, ब्रांड्स अक्सर फेमस पब्लिक फिगर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। पब्लिक फिगर्स मेनली सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ और रॉयल फैमिलीज भी हो सकती हैं। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की तरह सिर्फ फोटो और वीडियो एडवर्टीजमेंट ना करके ब्रांड्स ये दिखाती हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स हमारे फेवरेट पब्लिक फिगर के लाइफस्टाइल का पार्ट हैं। अप्रैल 2019 में रिलीज हुई फेमस मूवी एंडगेम के बाद इंडिया में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी, और इसका फायदा उठाते हुए OnePlus ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एक एड कैंपेन रन कर अपने सब प्रीमियम सेगमेंट फोन OnePlus 7 को प्रमोट किया। और दोस्तों, 2019 के थर्ड क्वार्टर में ही OnePlus की सेल्स एप्पल और सैमसंग की कंबाइंड सेल से भी ज्यादा थी। ब्रांड्स के लिए पब्लिक फिगर्स एक प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांड इमेजिंग बन जाते हैं। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप ₹5 के नॉर्मल बॉल पेन या ₹100 के ओबामा द्वारा यूज किए गए सेम पेन में से किसको चुनेंगे, तो यहाँ एक ऑब्वियस आंसर निकल के आता है, और यही दर्शाता है पब्लिक फिगर्स की इनॉर्मस पॉपुलैरिटी और एडमरेशन। एक ₹5 का नॉर्मल पेन जिसकी हिस्ट्री में बस ओबामा का नाम जुड़ गया है, वो सडनली ₹100 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कीमत पे अफोर्डेबल लगने लगता है। परफॉर्मेंस, पेडिग्री, पॉसिटी, पर्सोना और पब्लिक फिगर के बाद एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर है जो ब्रांड मार्केटिंग में चेरी ऑन द केक का काम करता है,
और वो फैक्टर है प्राइसिंग। लग्जरी ब्रांड्स के लिए प्राइसिंग अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर्स अपने प्रोडक्ट्स को लेकर वेल अवेयर हैं। ऐसे में बहुत कम प्राइस पर चीज़ें सेल करना ब्रांड की इमेज को कम करने लगता है, वहीं हाई प्राइसेस पर प्रोडक्ट सेल करना कंज्यूमर्स को अनरीजनेबल लगने लगता है। यूनिटी मार्केटिंग द्वारा की गई रिसर्च ये बताती है कि कोई भी कंज्यूमर 3 times बेटर प्रोडक्ट के लिए 10 times प्राइस नहीं पे करता। इसको ध्यान में रखते हुए लग्जरी ब्रांड्स अपने प्राइसेस को इस वीडियो में डिस्कस किए गए फैक्टर के मुताबिक सेट करती हैं, और सारे फैक्टर्स कुछ इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि ब्रांड्स सिर्फ एलीट पर्सनालिटीज के लिए ही अफोर्डेबल रहें, और यही एक नॉर्मल ब्रांड को एक लग्जरी ब्रांड बनाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टडीज बताती हैं कि हाई इनकम इनइक्वालिटी और हाई पावर डिस्पैरिटी वाली कंट्रीज में रहने वाले लो इनकम इंडिविजुअल्स अपनी नीड फॉर बिलोंगिंग एंड नीड फॉर वैलिडेशन के चलते अपने फाइनेंशियल जोन से ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज करते हैं, और ये एक मुख्य कारण है कि अक्सर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास इंडिविजुअल अपनी लाइफ में इस हद तक अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं जहाँ उन्हें उनकी मेहनत और रिटर्न में मिलने वाली कॉम्पनसेशन एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। इस मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या सच में हमारे माइंड्स आज ब्रांड द्वारा क्रिएटेड एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में कैप्चर्ड हैं, या ब्रांड्स द्वारा दिखाई गई इमेजेस इस जीवन की सच्चाई है? क्या आज हम किसी प्रोडक्ट को चूज करने से पहले रीजनेबली सोच पाते हैं, या उन ब्रांड्स द्वारा बताई गई हकीकत हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं? इन सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।